फिरोजाबाद के सुहाग नगरी फिरोजाबाद में आज गंगा दशहरा के दिन शाम के समय महिला पुरुष और बच्चों में रही पतंगबाजी की धूम। लोगों में दिखा लंबे अरसे बाद गंगा दशहरा के दिन पतंगबाजी का उत्साह और खुशी। जहां एक तरफ पुरुषों ने पतंग उड़ाकर लड़ाए पेच तो वहीं पतंगबाजी और पतंग उड़ाने में महिलाएं और बच्चे भी रहे पुरुषों से आगे। फिरोजाबाद से राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। युवराज सिंह बेटा, आप छत पे हो, आज दशहरा है तो कैसा रहा दशहरा, क्या किया आपने? बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत सारी पतंग उड़ाई और पांच पतंग काटी हमने बहुत सारी पतंग उड़ाई तो बहुत मजे आए। तो कैसा मतलब पतंगें अब की बार कितनी पतंगें नजर आ रही हैं? बहुत ज़्यादा आई और है, पता नहीं कितनी। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मजे आ। मेरा नाम अनुराग है। अनुराग जी, गंगा दशहरा है आज और कैसा रहा गंगा दशहरा? गंगा दशहरा बहुत अच्छा रहा और ये एक हिंदुओं का त्यौहार है जो पवित्र त्यौहार माना जाता है और पिछले लॉकडाउन में आपने जैसे देखा कि बिल्कुल भी लोगों ने पतंग नहीं उड़ा पाई थी और आप देख सकते हैं कि इस बार कितनी पतंगें उड़ रही हैं और बहुत इंजॉय हो रहा है। पतंग काट रहे हैं, कटवा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं पतंगें कितनी उड़ रही हैं और पटाखे भी बहुत छूट रहे हैं यहाँ पे। महिलाएं बच्चे देखो आप कितना एंजॉय कर रहे हैं अपने, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो जैसे कोरोना का कहीं कुछ फ़र्क नज़र आया कि पूरा उत्साह नज़र आ रहा है लोगों में? थोड़ा बहुत फ़र्क तो है लेकिन पिछली साल से बहुत आराम मिला है। तो क्या मानते हैं अब की बार गंगा दशहरा की पतंगबाजी कैसी रही? बहुत जानदार, बहुत शानदार, मज़ा आ गया।